हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का यार बहुत बहुत स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच यार, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है ना भाई, भर भर के लाइक वाइक में, तो मजा ही आ गया है। तो ऐसे ही बनाए रहो, अपना लाइक का काउंट बिल्कुल से बढ़ाते रहो और प्यार बनाए रहो, बनाते रहो। वैलेंटाइन डे चला गया, लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप लोग अपने फोन को कैसे प्यार भरा बना सकते हो, मतलब अपने फोन को आप किस तरीके से तकड़े तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। और ये जो कस्टमाइजेशन वाली वीडियो यार, कुछ ऐसी मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि भाई बहुत ही ज्यादा अलग है, यूनिक है, बट ये है कि आप लोगों को यहाँ पे बेसिक चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ओप्पो का रेनो आ रखा था, तो मैंने सोचा यार आप लोगों को इधर कस्टमाइजेशन वाली वीडियो बना के दिखा देता हूँ इसके ऊपर, कि कैसा इसके ऊपर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और काफी ज्यादा मुझे लगता है यार हेल्पफुल होगा आप में से काफी लोगों के लिए जिसके पास भी एंड्रॉइड का कोई भी डिवाइस है। तो यहाँ पे यार सबसे पहली चीज, जब अगर आप लोग कोई सा भी कस्टमाइजेशन का चीज करते हो, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है मेरे, पता नहीं आपकी क्या आती होगी, लेकिन मेरे जो दिमाग में आती है वो है वॉलपेपर। अब यार वॉलपेपर देखो, सबकी अलग 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 चॉइस होती है, तो यहाँ पे काफ़ी कह सकते हो अलग अलग तरीकों की चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं वॉलपेपर वाइज। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है वॉलपेपर के अंदर आप देखो, तो वो है मिनिमलिस्टिक वॉलपेपर्स का, और काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग यूज़ करते आ रहे हैं। तो मिनिमलिस्टिक वॉलपेपर एक जगह आप लोगों को सबसे बेस्ट जो मिलते हैं वो है बैकड्रॉप्स। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो बैकड्रॉप कुछ इस तरीके की आप लोगों को एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड होती है ये। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग प्रकार के। हम जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये जो वॉलपेपर है अभी ये वाला, ये कुछ मिनिमल है, लेकिन अगर मैं इसको सेट करता हूँ यहाँ पे तो काफी गलत हो गया, एक मिनट इसको सेट करते हैं हम यहाँ पे, तो काफी ज्यादा अच्छी फील आएगी। जो आपका ओवरऑल लुक है वो चेंज हो जाता है इसी वॉलपेपर को सेट करने से, एंड मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो हमने वॉलपेपर सिर्फ चेंज करा और कितनी प्यारी लुक आ गई है। अब इसको मेंटेन रखने के लिए अगर आप लोग और दो चार वॉलपेपर एप्लीकेशन देखना चाहते हो, तो देखो पहली वॉलपेपर एप्लीकेशन तो बैकड्रॉप्स हो गई, और बाकी और दो तीन एप्लीकेशन है जो कि मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, वहां से आप लोगों को बहुत बड़े बड़े वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे हैं। तो मेरा जो प्रेफरेंस है, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, वो बैकड्रॉप्स ही है एंड्रॉइड के अंदर। सेकेंडली जो मेन चीज आती है, आप लोग अपने फोन के ऊपर सबसे ज्यादा क्या देखते हो, वॉलपेपर तो पहली बात हो गई, अब आप देखते हो सबसे ज्यादा अपने फोन के अंदर होम स्क्रीन पे ये सारी एप्लीकेशन अलग अलग प्रकार की, कोई छोटी कोई मोटी कोई टेढ़ी कोई आड़ी। तो ये जो एप्लीकेशन है इनके लिए आप लोगों को क्या करना है, कैसे इनको रिवैम्प करना है, मतलब कैसे इनका रूप बदलना है। तो रूप बदलने के लिए यार यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है दोबारा से, और आपको काफी अलग अलग तरीके के आइकन पैक्स देखने को मिलते हैं। अभी जैसे देख सकते हो आप YouTube का कैसा एप्लीकेशन का आइकन दिख रहा है, सेटिंग्स का अलग है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स कैमरा सबके अलग अलग आ रहे हैं, और कुछ ज़्यादा ऐसे खास नहीं लग रहे, कुछ अलग नहीं लग रहे। और अगर आपके दोस्त के पास भी ऐसी कुछ सेम फोन है, जैसे आप लोग देखते हो भाई भाई दो दोस्त होते हैं जिन्होंने सेम फोन ले लिया, उनका सेटअप भी फोन सेम लगता है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आता, मुझे अपने को ऐसा लगता है कुछ अलग देखना दिखाना चाहिए। तो ये चीज़ मैं सबसे पहले करता हूँ अगर कोई फोन लेता हूँ, तो आप लोग सिंपल सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर आइकन पैक, और आप अपनी वैरायटी चूज कर सकते हो कैसे कैसे। तो यहाँ पे दो मैं लाइक दिखाना चाहता हूँ जो मेरे फेवरेट हैं, जो कि मैंने नोवा लॉन्चर के अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं। तो अगर मैं लुक एंड फील में जाता हूँ, और यहाँ पे अगर आइकन स्टाइल में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो आइकन पैक मैंने डाल रखे हैं, जो कि है स्प्लेंडेड और एक है वाइकॉन्स ऐसी। तो वाइकॉन्स को एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं। बेसिकली पूरा का पूरा जो इंटरफेस है उन्हें वाइट कर देता है, और सारे के सारे जो आइकन्स हैं वो वाइट हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे हैं वो, मेरे को सब कुछ चेंज करना पड़ेगा इसको करने के लिए। तो वाइकॉन्स मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया इस वाले चीज़ के लिए अभी, लेकिन अगर स्प्लेंडेड में मैं चेक करूँ तो स्प्लेंडेड आप लोगों को दिखाता हूँ स्प्लेंडेड कैसा है। स्प्लेंडेड मेरा गो टू फेवरेट है यार, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कलरफुल है, और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है स्प्लेंडेड, ये देखो गाइस। सो अब ये है स्प्लेंडेड, और स्प्लेंडेड देखो कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग स्प्लेंडेड जो है कोई से भी फ़ोन में डाल सकते हो आइकन पैक, अगर आप कोई सा भी लॉन्चर यूज़ कर रहे हो जो भी लाइक आइकन पैक सपोर्ट करता है, जैसे नोवा लॉन्चर सब लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ें करी है सिर्फ मैंने अभी तक, दो चीज़ें मतलब वैसे टेक्निकली तो हमने तीन करी है क्योंकि हमने नोवा लॉन्चर भी डाला है इसके अंदर, तो नोवा लॉन्चर से हमारे को ये वाली लाइक पूरा लुक आ रहा है। लेकिन दो चीज़ें जो अहम करी, वो एक तो आइकन पैक और एक वॉलपेपर, और दोनों को चेंज करने से आप कितना ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपको इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, मतलब और आगे भाई अभी शॉर्ट लाइन गिर जाता, लेकिन अगर आपको इसको और आगे लेके जाना है, तो आप लोग भाई अपना बिल्कुल तगड़ी तरीके से इसको कर सकते हो कस्टमाइज, उसके लिए थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो पहली चीज है वो सेटिंग्स में जाना, आप लोगों ऐप ड्रॉअर के अंदर मैं जाता हूं, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी कर देता हूं, तो गाइस यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी चेंज कर दिया है, जैसे देख सकते हो आप लोग
अब कितना ज्यादा अलग आ गया लुक इसके अंदर दोबारा। बस दो चीजें और करी, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी चेंज करी और साथ ही साथ उसका, इसको अगर मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी को 30% पे रखूं तो 30% पे कुछ ज्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि डार्क हो जा रहा है बैकग्राउंड पूरा और आइकन्स जो है काफी ज्यादा कलरफुल है और इसमें एमोलेड स्क्रीन है, तो आप लोगों को काफी अच्छा फील देखने को मिलेगा आपके फोन के अंदर और काफी कूल वाइब्रेंट वाली टोन आएगी। और वाइब्रेंट कलर जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लूज, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुशहाली वाले कलर हैं। तो ये हो गई बेसिक आप लोगों की जो कस्टमाइजेशन है जो आप लोग अपने फ़ोन पे कर सकते हो। अब यहाँ पे यार देखो, अगर आप लोग इस चीज़ को आगे लेके जाना है और अगर आप लोग इसको खुद इधर उधर करके इस्तेमाल करके देखोगे जब मेरे को लगेगा ज़्यादा सही, क्योंकि आपकी चीज़ें जो है, अब देखो मैंने ये चार चीज़ें बता दी आपको कैसे होता है। अब आपको अगर और चीज़ें इसमें करनी है तो आप लोग सुपर विजेट एक आती है जो कि विजेट होती है, जो कि यहाँ पे बड़ी बड़ी घड़ियाँ बना के दे देगी आप लोगों को अलग अलग तरीके की, तो अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, बट मेरे को वो पर्सनली नहीं पसंद है इसलिए मैं कभी नहीं करता हूँ। और यार एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है किसी भी लाइक लॉन्चर के अंदर, वो है कि आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो कि जो डॉक है इधर नीचे कितने सारे आइकन रहेंगे, और यहाँ पे मैंने 7 आइकन सेलेक्ट कर ली जो जो कि मैंने वैसे अभी रैंडम मारे हैं इधर डाल दिए, लेकिन वैसे आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो जैसे आप लोगों को जो जो चाहिए। अब मान लो आपका WhatsApp हो गया, Gmail हो गया, YouTube हो गया और मैसेज हो गया, फोन हो गया, वो सब कैमरा हो गया, ऐसी 7 अलग अलग जो क्विक आप लोग एकदम से खोलना चाहते हो, फोन खोलते के साथ आप लोग क्या पता उसकी जरूरत पड़ जाए, वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, तो मुझे लगता है वो काफी ज्यादा हैंडी रहेगा। और जैसे ही आप लोग एकदम से अपना फोन को खोलोगे और आप लोगों को फोटो लेनी है तो फटाफट से वहां पहुंच जाओगे। तो दोस्तों यही थी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुझे लगता है आपको पता नहीं चाहिए जब भी आप अपना फ़ोन कस्टमाइज़ करने जा रहे हो। अब यहाँ पे मेरे पास ओप्पो का रेनो ये वाला भी आ रखा है 10x जूम वाला भी, तो इसको मैं वैसे इसके लिए एक सीक्रेट वीडियो आ रही है वो मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। तो इसमें जो है सिंपल सेटअप है और कुछ इस तरीके का सेटअप देखने को मिलता है जब आप लोगों को मिलता है अपना फ़ोन ऐसा, ठीक है। मैंने इसमें सिंपल सेटअप कर रखा है वाला, और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं जो मैंने अभी सेटअप किया है वो इस तरीके का है। वैसे मुझे पता है कि दोनों में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर लाइक सिमिलर ही लगेंगे, लेकिन ये जो है इसके जो आइकन्स हैं और इसके जो आइकन्स हैं उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है देखो, लाइक कितने कलरफुल लग रहे हैं इसके आइकन, तो मेरे को इससे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बट आप लोग मुझे बताओ यार आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, और आप लोग क्या लगता है जो कस्टमाइजेशन है वो बेसिक मैं आज आप लोगों को बता पाया, सिखा पाया कुछ, और अगर सिखा पाया हूँ तो लाइक कर दो यार इस वीडियो को, किस बात की देरी है, और मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।